अगला सवाल हम शामिल करते हैं। सुनीता हमारे साथ इनफैक्ट फोन लाइन पर मौजूद है आसाम से। सुनीता स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी हम होम लोन के लिए पूछना चाहते हैं, हमको 30 लाख का लोन चाहिए। जी तो हमको हमको मंथली कितना देना पड़ेगा और कितना साल तक कैसे देना पड़ेगा? सुनीता आप लोन किस लिए लेना चाहती हैं? आपने लिखा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है आप होम लोन लेना चाहती हैं। जी जी साथ ही 30 लाख के लोन की बात कर रहे हैं आप। जी चलिए राय दिलवा देते हैं आपको बलवंत जी। 50 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 30 लाख का फिलहाल ये लोन लेना चाहती हैं और 20 लाख जिस तरह से इन्होंने लिखा भी था कि ये डाउन पेमेंट करने की सोच रही हैं, तो 30 लाख के लोन के लिए कौन से बैंक को अप्रोच किया जा सकता है और साथ ही बैंक का क्या क्या फॉर्मूला होता है EMI डिसाइड करने का? देखिए चारू ऐसा है, सुनीता जी को 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रही है उस पर 30 लाख का लोन चाहिए, तो जो बैंक है वो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो दो चीज के बेसिस पर डिसाइड करती है। पहली तो जो पहला क्राइटेरिया है जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है नॉर्मली प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% तक फाइनेंस करती है और 20% आपको खुद को लगाना पड़ता है। इसमें स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज है वो आपका खुद का रहेगा। अगर आपकी लोन की अमाउंट है वो अगर 20 लाख से कम है तो बैंक आपको 90% तक फाइनेंस करेगी। दूसरा जो क्राइटेरिया है जो लेंड करने का बैंक का, वो है कि आपका जो इनकम है, नॉर्मली बैंक प्रिज्यूम करती है कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका 40 से 45% के आसपास आप लोन सर्विस कर सकती है, तो उसके बेसिस पे आपकी जो सालाना इनकम है उसका 4 से 4.5 गुने तक आपको लोन मिल पाएगा। अभी जैसे मेरे को लग रहा है इनकी 3 लाख की इनकम है सालाना, तो 12 लाख के आसपास उनको लोन मिल सकता है। और अगर इनको एलिजिबिलिटी बढ़ानी है तो जो अगर ये खुद भी अगर अर्निंग है तो हस्बैंड के साथ में जॉइंट एप्लीकेशन कर सकती है, तो अगर जो जब एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी तो आपकी जो दोनों की कंबाइंड इनकम है उसको पूल किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। तो जैसे 12 लाख का अगर आपको लोन मिलता है तो नॉर्मली 11.5-12 हजार रुपए की आपकी EMI आएगी, और अगर आपको 30 लाख का लोन चाहिए तो EMI भी करीब 29-29 हजार के आसपास आएगी। जी चलिए फिलहाल जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि EMI जो है वो बैंक तय करते हैं और साथ ही लोन लेने से पहले कि क्या क्या फॉर्मेलिटी है वो आपको पूरी करनी होगी। और आय का इन्होंने बताया कि EMI आपकी आय का जो है 40-45% एटलीस्ट अमाउंट होना चाहिए कि आप EMI वो मंथली पे कर सकें। फिलहाल इनको बता दिया गया है इनको करीबन 11 से 12 लाख का लोन मिल सकता है, तो उस पर लेने पर विचार कर सकती है। चलिए अपने महिलाओं दर्शकों के सवालों को हम और शामिल करेंगे, अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।